विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रिफरेंस पर्पस के लिए यूज करें, क्योंकि इस असेंबली आर डिसअसेंबली मशीन ड्राइंग को पावर पॉइंट से बनाया जाता है, जिसमें स्केल से मेजरमेंट नहीं लिया जाता है तथा छोटे कर्व्स एंड पॉइंट को बराबर नहीं दिखाया जा सकता है। अतः इसको रिफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें, जिससे उन्हें समझने में आसानी हो। स्टेप टू ड्रॉ असेंबली ड्राइंग फ्रॉम डिटेल ड्राइंग। डिटेल ड्राइंग से असेंबली ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिटेल ड्राइंग दी गई है उससे बनने वाले असेंबली ड्राइंग के पार्ट को या उस ऑब्जेक्ट को, उसका पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एवं उस मशीन या प्रोडक्ट के बारे में समझ लें। उसके बाद उस मशीन के प्रत्येक पार्ट का उपयोग तथा उसकी आवश्यकता को समझ लें। उसके बाद प्रत्येक पार्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर को समझ लेना चाहिए। असेंबली ड्राइंग के लिए हमको एक स्केल का सेलेक्ट करना चाहिए। असेंबली ड्राइंग का बनाने के पूर्व ही एस्टिमेट कर लेना चाहिए कि उस ड्राइंग का आउटलाइन कितना होगा, हमें फ्रंट व्यू कहां बनाना है, साइड व्यू कहां बनाना है, टॉप व्यू कितना कहां बनाना है और उसके लिए कितनी जगह हमें छोड़नी है और डायमेंशंस का के लिए कितना स्पेस चाहिए। एक्सिस, उस मशीन का ड्राइंग का एक्सिस को हमको डिसाइड करना चाहिए, जिससे कि उसके जो असेंबली ड्राइंग बनाने में जो व्यू को हमको दिखाने में तकलीफ ना हो। साथ ही उस पार्ट्स की लिस्ट बना लेना चाहिए कि कौन कौन से हमने पार्ट्स यूज किए। आइए हम आगे बात करते हैं। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है पेट्रोल इंजन पिस्टन। पेट्रोल इंजन पिस्टन में जो उसका डिसअसेंबल ड्राइंग रहता है उससे हम असेंबली कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि डिटेल ड्राइंग से असेंबली ड्राइंग बनाने के पूर्व हमें उस मशीन का या उस पार्ट्स का या उस टूल का पहले संपूर्ण विवरण कर लेना चाहिए, उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। उस आधार पर हम उस पूरे पार्ट्स को जोड़ करके उसकी असेंबली बना पाएंगे। यहां पर हम पेट्रोल इंजन का पिस्टन के बारे में बात कर रहे हैं या उसका असेंबली ड्राइंग बनाएंगे। अतः जो हमने स्टेप्स बताए हैं असेंबली ड्राइंग के, उसी में हमने पूर्व में बोला था उसके फंक्शन, उसके उपयोग, उसके ऑपरेशन, उसके डिटेल्स के बारे में इंटरनल एक्सटर्नल सब जान लेना चाहिए। आइए हम बात करते हैं पिस्टन। पिस्टन एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है जो सिलेंडर के अंदर घूमता है। पिस्टन सामान्यतः एल्यूमिनियम का अलॉय होता है जो कास्टिंग करके बनाया जाता है। पिस्टन को गजन पिन से कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड से जोड़ते हैं। पिस्टन में ये देखिए, पिस्टन में ये ऊपर में चार पिस्टन रिंग होते हैं और नीचे एक रिंग होता है। इस चार जो रिंग है कंबंसर फ्यूल के कंजम्पशन, जो फ्यूल बर्न होता है उससे जो गैसेस डेवलप होती हैं कंबंसर चैंबर, वो लीक ना हो उसके लिए पिस्टन रिंग लगाते हैं। साथ ही ये वाला जो रिंग नीचे लगा रहता है, यह रिंग इंजन ऑयल
पिस्टन के कम्बशन चैम्बर में ना घुस जाए, उसके लिए हमें लगाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये बॉडी है, ये गजन पिन है और ये रिंग है और ये प्लग है। गजन पिन के दोनों तरफ से एक प्लग लगा दिया जाता है। इस तरह से हम पिस्टन के बारे में मोटी मोटा जानकारी हमने ले लिया है। अब आइए पिस्टन रिंग का असेंबली ड्राइंग हम कैसे बनाते हैं उस पर हम बात करें। क्वेश्चन, असेंबल द पार्ट ऑफ पिस्टन शो इन फिगर एंड ड्रॉ द फॉलोइंग व्यू। सेक्शनल व्यू फ्रॉम फ्रंट, व्यू फ्रॉम लेफ्ट, व्यू फ्रॉम अबव। ये तीन व्यू बनाने हैं किसके। अभी देखिए पिस्टन रिंग जो है, ये पिस्टन का जो बॉडी है जो एल्युमिनियम अलॉय का कास्टिंग किया हुआ होता है, यह देखिए ये बॉडी का फ्रंट व्यू है, इसका एक साइड व्यू है, इसका एक टॉप व्यू है। उसका जो प्लग गजन पिन के साइड में दो ठो प्लग लगे रहते हैं, ये प्लग है, ये रिंग है और ये गजन पिन है। ये पार्ट लिस्ट में हमने बताया है। अब इस मेन बॉडी में इस गगन पिन को डालना है, साथ में इस रिंग को यहाँ 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 और यहाँ लगाना है। उसके बाद इस गगन पिन के दोनों तरफ इस प्लग को लगाना है। यह लगा के जो हम ड्राइंग बनाएंगे वह इस पिस्टन का असेंबली ड्राइंग होगा। आइए हम असेंबली ड्राइंग या यदि वह प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि उनके पास क्वेश्चन पेपर रहता है, परंतु मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं होने की वजह से मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, अतः इसको मैंने उस क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब आइए इस क्वेश्चन से असेंबली ड्राइंग हम कैसे बनाते हैं इस पर बात करते हैं। यहाँ एक बात और बता दूं कि जगह की कमी की वजह से मैं असेंबली ड्राइंग का डायमेंशनिंग नहीं करता हूँ, अतः आपसे को सलाह दी जाती है कि यहाँ से पूरे डायमेंशंस को देखकर आप अपनी असेंबली ड्राइंग में या क्वेश्चन पेपर में जो दिए हुए डायमेंशंस को देख करके आप अपने असेंबली ड्राइंग में इन डायमेंशंस को मार्क कर लीजिएगा। आइए अब इस क्वेश्चन यानी इस पिस्टन का हम असेंबली ड्राइंग बनाते हैं। जैसे पिस्टन का मेन बॉडी है, कि मेन बॉडी है, फ्रंट है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। इसमें यह रिंग का और ये गजन पिन का और ये प्लग को किस तरह से असेंबल करते हैं और इसके बाद ये असेंबली ड्राइंग दिखती कैसे उस पर हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट व्यू, ये देखिए ये फ्रंट व्यू पिस्टन दिया है, पहले इसको हम ड्रॉ करेंगे। मेन है, ये मेन ड्राइंग है, ये ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसमें गगन पिन, उसके बाद ये प्लग और उसके बाद ये रिंग डालेंगे। ठीक, तो इसके लिए एक हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ले लेते हैं और ये वर्टिकल लाइन जो इस पार्ट का सिमेट्रिकल या एक्सिस ही कहिए, एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। आइए अब हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, वर्टिकल एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लिया। इसमें इस पिस्टन का जो फ्रंट दिया हुआ है इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने ये जैसे पहले ए लाइन खींचा, फिर यहां से ये किया, फिर ये किया, इस तरह करके एक एक करके मैं ड्रॉ, आप अपने ड्राइंग सीट में यहां पर दिए हुए डायमेंशन के आधार पर, ये देखिए जो डायमेंशन दिया है इस डायमेंशन के आधार पर एक एक चीजों को ड्रॉ करते चले जाइए। पहले यह जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट इसको हमको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। जब यह ड्रा हो जाएगा कंप्लीट, देखिए जैसा ये दिया हुआ है आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सब डायमेंशन ए रिफरेंस, देखिए ए रिफरेंस लाइन से अगर नापेंगे तो कितना इधर जा रहा है, कितना इधर जा रहा है, ये देखिए इस सेंट्रल लाइन से ये कितना है, ये सब अगर नापते चले जाएंगे, इसे 50 है तो 25 इधर हो गया, 25 इधर हो गया, इस तरह से आप करके
सब कुछ को ड्रॉ कर दीजिए एज पर दिए हुए ड्राइंग क्या, ये ड्राइंग जो दिया है इसके आधार पर सबसे पहले इसको आप ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए यह जो ड्राइंग दिया हुआ है एज इट इज मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद इसमें इस रिंग को, चार रिंग यहां और एक रिंग यहां, ये देखिए ये चार रिंग मैंने लगा दी। एक चीज और मैं बता दूं आपको, क्योंकि मुझे फ्रंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रंट व्यू मेरे को सेक्शनिंग दिखाना है, इसलिए रिंग का पूरा गोला ना दिखा करके फ्रंट से काटने के बाद जो सेक्शनल व्यू होगा मैं वही ड्रा कर रहा हूं, परंतु साइड व्यू और टॉप व्यू में सेक्शनिंग नहीं है, अतः मैं वहां पर रिंग पूरा दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए गजन पिन हमने ड्रा कर लिया और उसके फिर प्लग हमने ड्रा कर दिया। इस तरह से देखेंगे तो यह फ्रंट व्यू में रिंग, गजन पिन और प्लग को हमने ड्रा कर दिया। इस तरह से आपको अपने, मैं कलरफुल इसलिए बनाता हूं कि छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए कि पहले मेन बॉडी ड्रा करना है, उसमें फिर ये रिंग डालना है, उसके बाद एक गजन पिन डालना है, उसके बाद वो अपने पेंसिल से ही बनाया, पेंसिल के कलर से, उनको अलग डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पार्ट अपने आप में अपनी पहचान दिखा देता है। अब हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। साइड व्यू में देखिए ये एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हम ड्रॉ, अगर नहीं दिया रहता है तो इससे प्रोजेक्ट करके हम ड्रॉ करते हैं। साइड व्यू देखिए जिस तरह से दिया है, डिस असेंबल दिया है, लेकिन ये देखिए हाफ सेक्शनिंग दिया हुआ है, और हमें ये हाफ सेक्शनिंग दिया हुआ है, हमें विदाउट सेक्शनिंग बनाना है, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने विदाउट सेक्शनिंग इस साइड व्यू को बनाया। देखिए उसके बाद उसमें जैसा है हमने बनाया। इसके बाद देखिए इसमें रिंग मैंने पहना दिया, ये पांच रिंग है, ये पांच मैंने पहना दिया। इसके बाद एक गजन पिन जो ये अंदर में है, हमको बाहर से नहीं दिखेगा, और ये प्लग हमने लगा दिया। तो अगर इसको इस साइड से देखिए, आपको देखा लेफ्ट साइड से दिखाना है, तो इस साइड से अगर देखेंगे इस पिस्टन को तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। लेफ्ट साइड व्यू बोला है क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट साइड व्यू जो होता है राइट साइड में ड्रॉ करते हैं, इसीलिए मैंने यहां से देख करके हर चीज को इधर ड्रॉ किया। इसके बाद आइए अब हम इसका टॉप व्यू, क्योंकि टॉप व्यू भी सेक्शनिंग नहीं है, इसीलिए टॉप व्यू देखिए यहां क्वेश्चन में दे दिया है सेक्शनिंग किया हुआ टॉप व्यू, तो आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो आप इसको प्रोजेक्ट करके, इसको और इसको ये प्रोजेक्ट करके भी आप टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हैं, या फ्रंट और टॉप पहले ड्रॉ करके इन दोनों के हेल्प से आप साइड व्यू भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है और अपनी सुविधा के आधार पर। अब देखिए यहां पर पूरे ये मैं डैश डैश में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये इन्होंने जो बनाया है सेक्शनल व्यू बनाया है, और मैं जो बना रहा हूं विदाउट सेक्शन बना रहा हूं, इसलिए मुझे डैश डैश दिखाना पड़ रहा है। यह रिंग, पिस्टन रिंग ये है। अभी देखिए क्योंकि मेरे को फ्रंट व्यू सेक्शनिंग दिखाना है तो मुझे कटिंग प्लेन दिखाना पड़ेगा, इसलिए स्टॉप व्यू में यहां से यहां काट के यह पार्ट रिमूव करने के बाद जब इधर से देखूंगा तो यह हिस्सा कैसा दिखेगा उसको अब ये जो ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया इसमें सेक्शन करके हम एहसास कराते हैं। देखिए गजन पिन ऐसा दिखेगा और ये बॉडी ऐसा दिखेगा। इस तरह से यह असेंबली ड्राइंग का फ्रंट सेक्शनल व्यू, टॉप व्यू और यह लेफ्ट साइड व्यू की असेंबली ड्राइंग कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है कि यह ड्राइंग आपको समझ के लिए अच्छी होगी। मैं बार बार छात्रों से कहता हूं कि मेरे ड्राइंग पूरे पावर पॉइंट से बने होते हैं, अतः इसमें एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट डायमेंशन दिखा पाना मेरे लिए संभव नहीं है, अतः आप इसे रिफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। ओके, थैंक यू।